हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने प्लांट की एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। मेरे प्लांट की पत्तियाँ का साइज काफ़ी थिन हो चुका है, जबकि जेड प्लांट की पत्तियाँ काफ़ी थिक होती हैं और मेरी पत्तियाँ काफ़ी थिन हो गई हैं। जो न्यू ग्रोथ आई है और जो पुरानी ग्रोथ थी, पुरानी पत्तियाँ हैं वो काफ़ी मोटी हैं और ये काफ़ी पतली पतली आ रही हैं। तो इसकी पत्तियाँ मुझे शो कर रही हैं कि इस प्लांट में कुछ ना तो प्रॉब्लम है। तो मैं इस प्लांट को देखकर समझ रही हूँ कि इसमें रूट बाउंड हो चुका है, क्योंकि ये प्लांट इस प्लांट को लगाए हुए मुझे 1 साल हो चुका है और मैंने इसको छोटा पॉट ही दिया था और सारी मैंने कटिंग लगाई थी। और पहले से जब मैंने इसको लगाया था उससे कम इसने दुगनी ग्रोथ ले ली है। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जब इसने ऊपर से इतनी दुगनी ग्रोथ ली है तो ऑब्वियसली जड़ों में भी इसकी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी होगी, इसलिए ये प्लांट रिबॉन्डिंग हो चुका होगा। मैं निकाल कर देखती हूँ और देखिए, लीव्स अगर पतली हैं तो इसका मतलब है कि उसको पानी की थोड़ी कमी है, जबकि वाटरिंग मैं अच्छी करती हूँ। लीव्स साइनी हैं बिल्कुल, बस थोड़ी थिन है, इसका मतलब है कि जड़ों को अच्छे से पानी भी नहीं मिल पा रहा है, स्पेस नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मेरा छोटा पॉट है, कटिंग बहुत सारी लगी हुई है, निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है और मेरा पॉट भी इसमें थोड़ा क्रैक हो गया है थोड़ा। और देखिए, इसमें मुझे वाटरिंग करनी पड़ी, थोड़ा मिट्टी को लूज़ करना पड़ा, पॉट को दबाना पड़ा, तब जाके ये पौधा बाहर आया। तो आपको भी इसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए, सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने इसको अगर ये ऐसे निकल जाता तो इसकी सारी स्टेम्स और काफ़ी पत्तियाँ टूट भी चुकी मेरी इस जद्दोजहद में। और देखिए, आखिर में ये बाहर आ गया और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट तक इसमें जड़ें फैली हुई हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है जड़ों को बढ़ने के लिए। इसलिए जब मैं इसमें वाटरिंग करती थी तो इसका पानी भी बहुत स्लो जाता था नीचे, जबकि और प्लांट में पानी डालती थी तो 5 या 10 मिनट में नीचे चला जाता था, लेकिन इसको जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता था। मैं तभी समझ गई थी पानी जब मैं देती थी कि अब इसमें स्पेस नहीं है, जड़ें पानी बहुत स्लो धीरे मतलब पहुँच रहा है जड़ों तक और जड़ें भी धीरे धीरे मतलब पानी को नीचे जाने से रोक रही हैं, तभी मैं इसको समझ गई थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि 1 साल और इसको देख लेते हैं, बट पत्तियों ने बता दिया कि भाई मुझे तो ज़रूरत है रिपोर्टिंग की, तो मैं इसकी 50% जड़ें काट देती हूँ। अगर आपका प्लांट भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अगर आपके प्लांट को लगाए हुए 6 महीने या 5 महीने ही हुए हैं, मतलब कि यदि आपने बारिश के मौसम में 2022 में और बारिश के मौसम में लगाया था, तो आपको इतनी जल्दी आपका पौधा रूट बाउंड नहीं हो सकता है। रूट बाउंड होने के लिए कम से कम 1 साल या 2 साल का समय लगता है, और साल से मतलब नहीं है, आप पौधे की ऊपर से ग्रोथ देखकर पहचान सकते हैं कि हमारा रूट बाउंड हो सकता है। यदि हमारा पौधा खूब अच्छी ग्रोथ पर है तब हम समझ सकते हैं कि हमारा रूट बाउंड होगा। इस पौधे की कम से कम दुगनी ग्रोथ हो चुकी है जब से मैंने इसे लगाया था। मैंने लास्ट ईयर में फरवरी में मैंने इसे लगाया था, तो अब भी फरवरी मार्च आ चुका है, 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, पौधे ने दुगनी ग्रोथ की है, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी रूट बाउंड हो चुकी है। तो देखिए, ये प्लांट को समझने के लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। पहले हमें भी नहीं समझ में आता था, अगर 5 महीने में आपको पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है, इतनी जल्दी रूट बाउंड नहीं होता है, पहले आप समझ लीजिए। और करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, इन चीज़ों को समझना आ जाता है कि ये प्रॉब्लम है तो अब इसमें मतलब क्या वजह हो सकती है प्लांट की इस खराबी। देखिए, पुरानी जड़ें हमें इसमें से निकाल देनी है, पुरानी जड़ों को नहीं डालना है। मैं इसी मिट्टी में दोबारा लगा रही हूँ, इसमें रेत मिलाऊंगी थोड़ा और, क्योंकि मुझे कम लग रहा है ये। देखिए, जड़ों ने इतना स्पेस ले लिया था कि मिट्टी इतनी कम है, ये भी जब मैं इसको डालूंगी तो मुझे लग नहीं रहा है कि मिट्टी पूरी हो जाएगी। तो कंपोस्ट मैं नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि आप चाहें तो मिला सकते हैं कंपोस्ट, लेकिन मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ और मुझे वही ज़्यादा बेटर लगता है, और उससे मेरे ये प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं कोई खाद नहीं दे रही हूँ इनको, मैं सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दूंगी। क्योंकि इस प्लांट की पूरी जानकारी के लिए आप जेड प्लांट की मेरी सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, तो आप पूरे प्लांट की हर एक कंडीशन के बारे में जान पाएंगे। और जो लोग मेरी वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जो यूट्यूब से देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग फेसबुक ज़्यादा चलाते हैं वो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और यूट्यूब का चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। और जो यहाँ मैं वीडियो डालती हूँ वही सेम मेरी फेसबुक पेज पर भी होती है, सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, तो आपको सर्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, कितना प्लांट को रिपोर्ट करने में कितनी
मेहनत लग रही है बहुत, थोड़ा ध्यान से करना है। थोड़ा पीछे की साइड करके मैं इसे लगा रही हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा हैंग करते हैं प्लांट को, थोड़ा झुकता है तो आगे की साइड इसका प्रेशर पड़ता है, इसलिए हम अपने हैंगिंग पॉट में हमेशा प्लांट को पीछे की साइड दबाएंगे, पीछे की साइड ज़्यादा लगाएंगे। दूसरा भी प्लांट था मेरा जो और वीडियो में है, जो थोड़ा वीक प्लांट था, उसको भी मैंने बिल्कुल पीछे की साइड लगाया, जिधर साइड हैंग करते हैं, ताकि जब वो बढ़ता है, ग्रोथ लेता है, वजन बढ़ जाता है, तो खुद ही वो आगे की साइड को प्रेशर होता है, और कुछ हैंग करने के बाद जब पानी डालते हैं तो तब थोड़ा लूज़ हो जाता है, तो खुद ही वो आगे की साइड झुक जाता है। इसलिए हमेशा हैंगिंग पॉट में प्लांट को पीछे की साइड लगाने की कोशिश करिए, आगे से उठाकर थोड़ा पीछे की साइड को दबाने की कोशिश करिए, आगे की साइड तो अपने आप ही झुक जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके प्लांट में भी ये प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी टाइम हो चुका है प्लांट को लगाए हुए, तो आप भी अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, 50% अपनी काट सकते हैं, या फिर अपना उससे बड़ा पॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।